जय जवान, जय किसान, जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक है 22 अक्टूबर और वार है मंगलवार। हम देखने वाले हैं इंदौर मंडी में प्याज और लहसुन की आवक क्या है। आवक से पहले किसान भाइयों, अच्छी चीज़ ये है कि एक चीज़ बहुत बढ़िया हो रही है कि थोड़ा थोड़ा माल ही आ रहा है। तो सबसे अच्छी चीज़ है आज भी, मतलब कल जैसे ही लगभग आवकें हैं। आवक में इतना कोई चेंजेस नहीं है, मतलब 40-45 हज़ार के आसपास आवक होगी। बाकी अगर लहसुन की बात करें तो 8-8.5 हज़ार कट्टे बताए जा रहे हैं। बाकी मेरा आपसे ये की बोलना है कि जो सा चल रहा है चलने दो मस्ती के साथ। और देखो पानी गिरा है अभी। दो सवाल है कि कुछ किसान भाइयों के थे कि नए प्याज आ रहे हैं तो आप उनको भी बताओ। तो बकायदा मैं बताऊँ, लेकिन उसकी हड़बड़ी क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने कल मान लो मैंने बताया प्याज, तो जो पुराना प्याज वाले जो है वो लोग क्या करेंगे, वो हड़बड़ा जाएंगे। वो नया प्याज आ रहा, अब तो क्या होगा। सबसे मुख्य कारण मेरा यही है कि मैं अभी नया प्याज नहीं दिखा रहा हूँ। और आ भी कितने रहे, 2000-3000 कट्टे, और वो भी दागी आ रहे इतना बता दूँ मैं। तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं जितना आप टेंशन ले रहे हो कि यार नया प्याज आएगा क्या हो जाएगा। अपना धीरे धीरे अपना रेशियो भी कम हो रहा। और एक और किसान भाई का सवाल था, शायद उसका जवाब मैंने दे दिया था। उनका बोलना था आप कब से तो बोल रहे हो थोड़ा थोड़ा कम ही माल बचा। तो भाई पहले 25% था, अब 15% रहा, फिर अब 5-7% रहा। जो स्टॉक भाई है उनसे मेरा बोलना है कि आप भी थोड़ा थोड़ा करके ही निकालो, एक साथ ना निकालो। बार बार शब्द मेरे यही है और मैं हमेशा यही कहता रहूँगा। बाकी लहसुन किसान भाइयों को मेरा बोलना है कि आप भी मस्ती के साथ आराम से माल बेचो, कोई जल्दबाजी ना करें। थोड़ा थोड़ा मस्ती के साथ साफ करो लहसुन को भी और उसको बेचो, ताकि भाव अपने को अच्छे मिलेंगे। प्याज वाले किसान भाई को भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी जो पुराना प्याज है उसमें तो बिल्कुल भी घबराहट वाली कोई स्थिति नहीं है। आज आवक क्या लग रही है? आज आवक अच्छी है, कल जैसी लग रही है। कल जैसी है, 40-45 के आसपास, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रही है। थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं है। कल जितनी ही है, अब कल आपनी है, कल थोड़ी है ना। 5-7 लोगों से पूछ लिया, किसान उनसे व्यापारियों से पूछा मैंने, उनका बोलना ये रहा कल जैसा कोई इसमें कोई फर्क नहीं है। बाकी उम्मीद अब आगे यही है कि थोड़ा भाव सुधरेगा। बाकी ऊपर वाले की मर्जी, जो भी होगा अच्छा ही होगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ही निकालना, गलती मत करना। दो चीज़ें होती है हमारे साथ। पहली चीज़, जब भाव डाउन होते हैं तब भी हम एकदम से ज़्यादा लाते हैं, और जब भाव एकदम से बढ़ जाते हैं तब भी ज़्यादा लेके आ जाते हैं। लेकिन अब हमको ये गलती नहीं करना, अभी जैसा चल रहा है चाहे भाव ऊपर जाए तब भी थोड़ा थोड़ा निकालो, भाव नीचे आए तब भी थोड़ा थोड़ा निकालो। पुराने प्याज की बात कर रहा हूँ, नए प्याज की हम लोग बाद में बात करेंगे। और नया प्याज मेरे हिसाब से भी 10-15 दिन लेट है। क्या लग रहा है? लेट, ये पानी गिरा उससे असर तो हुआ। पानी गिरा उससे असर, क्योंकि लेट तो है, ये तय है। अब कितना लेट होगा क्या हुआ, पर लेट है। 10-15 दिन तो आप मान के चलो। तो अभी 15-20 दिन में तो ये पुराना प्याज मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगा। खत्म कोई कोई रहेगा जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं वो लोग रखेंगे, हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा उसके बाद 20 दिन बाद अपने को पुराना प्याज ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम। देखो कुछ बोलो ना यार वीडियो के लिए। बरोडा से आपने? तो अच्छा, मतलब आप कहीं के लिए, मतलब बेसिकली व्यापारी करते हैं? हाँ। अच्छा, प्याज के लिए आप देखने के लिए आए हैं? आते हैं तो 2-3 साथ के लिए। अच्छा, आप आते हैं और तो वीडियो आप रेगुलर देखते हैं, तो वीडियो अच्छे लगते हैं जानकारी? बढ़िया बढ़िया। चलिए, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय बलराम। ठीक है, रेट बताएं, आवक क्या लग रही है? कहते 40-45 से ज़्यादा तो नहीं है यार? कहते 40-45 होगी आज? 40-45 आवक, 40-45 हज़ार आवक। अरे 40-50 हज़ार ही, 40-45 ही होगी यार। दादा जय जवान, जय किसान। इस हाँ बस वही है। हेलो भाई, कितने? 40-45 मेरे को तो उससे ऊपर नहीं है ना। आज लाए क्या कट्टे? लाए नहीं। कितने लाए? अरे आज लाए 20 कट्टे। 20 कट्टे आप कितने लाए दादा? 20। आप भी 20 दादा? अपन आप 20। बहुत बढ़िया। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय भारत।